एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2 2-1-1 2 ए इक्वल्स टू 0-3 8 3-3-7 इसको हम लिख लेते हैं बी ए इक्वल है सी के तो दोनों तरफ बी इनवर्स मल्टीप्लाई करवाएं बी इनवर्स बी ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी बी इनवर्स बी बना आई ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी तो ए इक्वल आ गया बी इनवर्स सी विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से क्या निकालना है बी इनवर्स क्योंकि सी तो हमें पहले से मालूम है तो टू फाइंड बी इनवर्स टेक बी इक्वल्स टू 2-1-1 2 बी ये है। अब इसका फार्मूला लगाएंगे तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2-1-1 2 इक्वल्स टू 2 × 2 −-1 × −1 इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 −1 × 1 = 1 इक्वल्स टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल है 2-1-1 2। अब एज बी इनवर्स इक्वल होता है जॉइंट ऑफ बी डिवाइड में बी के डिटर्मिनेंट के तो बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट में 2-1-1 2। पुट दिस वैल्यूज इन आई तो ए इक्वल्स टू 1/3 2-1-1 2 साथ किसकी वैल्यू लिखेंगे बी की वैल्यू 0-3 8 3-3-7 सी की वैल्यू ये हमारे पास इक्वल्स टू 1/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 0 +1 × 3 2 × -3 +1 × 3 2 × 8 +1 × −7 1 × 0 +2 × 3 1 × −3 +2 × 3 1 × 8 +2 × −7 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास आएगा 0 + 3 1/3 और ब्रैकेट में 0 + 3 −6 + 3 16 −7 0 + 6 −3 +6 8 −14 1/3 और ब्रैकेट में 3 − 3 9 6 3 − 6 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/3 −3/3 9/3 6/3 3/3 −6/3 कैंसिल होके आएगा 1 − 1 3 2 − 1 −2। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।